घटना घटी है, इसमें ज्यादा बयानबाजी ना करके राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि रात की अंधेरे में ये लोग काम कर रहा है। हो सकता है कि जो हमारी आंदोलन है सही दिशा में जा रहा है। माननीय गृह मंत्री ने भी बोला है कि आप अनशन उठाइए, शांति का माहौल बनाइए, तो हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। तो जीएमसीसी का टोली गया हुआ था और जीएमसीसी की टोली ने भी खुलेआम बोल दिया है कि उन लोगों ने कि देखिए, राज्य सरकार अगर हम लोगों को कोई फॉर्मल इनविटेशन देता है तो हम लोग बात करने के लिए तैयार है। जीएमसीसी भी जाएगा बात करने के लिए। लेकिन इस टॉक को फेल करने के लिए जो आने वाले दिन में हो सकता है कि वो लोग नहीं चाहता है कि पहाड़ में शांति कायम हो, और राज्य सरकार से बात करने के बाद, केंद्र सरकार से बात करने के बाद एक नया दिशा आ सकती है। लेकिन इस तरह का घटना से जो है राज्य सरकार भी चिंतित है और पुलिस प्रशासन भी चिंतित है। तो हम लोग चाहते हैं इसका मुस्तैदी से काम करना चाहिए, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को तत्परता से आगे आना चाहिए, और जो भी इस घटना में दोषी पाया जाता है उनका कार्रवाई करें। घटना नहीं होना चाहिए था, हो गया है, और जो जिसका भी देहांत हो गया है उनके परिवार के प्रति हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। हमारी शांति, वो उन परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, और जो घायल हुए हैं उनका भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ का भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये जो घटना घटी है इसमें ज्यादा बयानबाजी ना करके राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा।